So good morning. Are you able to hear me? Yes, sir. Okay. So, see, yesterday we have already completed with your e-commerce trade cycle. In that trade cycle, we have gone through four different phases. The phases were, the first phase was pre-sale. In the pre-sale, we were having two different things. The first was search and negotiation. In the second phase, that is your execution, in which we have gone through your order and delivery. In the third phase, we were having the next section was the next phase was settlement. In the settlement, we were having invoice and payment. And the last phase, that was after sales. So that was the part that we have completed yesterday. For the same, on the YouTube channel, the recorded lecture has been already uploaded. So you can go through it if you want. Second thing is, as said, आपके क्लासरूम्स पे गूगल क्लासरूम पे आपका असाइनमेंट भेज दिया है. कुछ 5 क्वेश्चंस है, आप उसको चेक कर लो. अगर किसी को प्रॉब्लम है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, या फिर क्वेश्चन ही नहीं, गूगल क्लासरूम ओपन करने को नहीं आ रहा है, तो वैसे मुझे कॉन्टैक्ट करो, मैं आपको बोलता हूँ कैसे कैसे करना है. सबने ऑलरेडी गूगल क्लासरूम डाउनलोड किया है? ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं. आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं मोड्स ऑफ पेमेंट. पहले होगा आपका मोड्स ऑफ पेमेंट. मोड्स ऑफ पेमेंट में हम लोग कंसिडर कर रहे हैं 4 पेमेंट के मोड. ये 4 पेमेंट के मोड ऑलमोस्ट सारा एरिया आपका कवर करेगा. ठीक है, पहला जो सेक्शन है मोड्स ऑफ पेमेंट में, उसको कहा जाता है क्रेडिट कार्ड. क्रेडिट कार्ड आप लोगों को शायद आपने सुना है, या फिर आपने शायद से आपके घर पे किसी के पास होगा तो देखा भी है. क्रेडिट कार्ड दिखने में आपको जो रहेगा वो ऑलमोस्ट एन एटीएम कार्ड जैसे ही अपीयर करेगा. लेकिन इसका फैसिलिटी क्या होता है? तो इसका फैसिलिटी ये होता है कि आपके बैंक अकाउंट में अगर पैसा नहीं है, यानी हम लोग एटीएम कार्ड या फिर डेबिट कार्ड कैसे यूज करते हैं, तो जितना पैसा अपने पास है उतना ही खर्च करेंगे हम लोग. यानी मेरे अकाउंट में सपोज 20,000 है, तो मैं 20,000 की मेरी लिमिट होगी, मैं उसके अंदर जो भी शॉपिंग है मैं कर सकता हूँ. लेकिन क्रेडिट कार्ड क्या करता है? तो बैंक आपको क्रेडिट प्रोवाइड करती है. क्रेडिट प्रोवाइड करती है यानी क्या, आपको कुछ दिनों के लिए कुछ पैसा आपको रिकमेंड करती है कि हाँ चलो मैं आपको 50,000 रुपया देता हूँ, जो आप अभी खर्चोगे तो उसका रीपेमेंट आपको 50 दिन बाद करना होगा. यानी उसी दिन आपका पैसा नहीं जाएगा, आपको 50 दिन के अंदर उसको रीपे करना होगा विदाउट एनी इंटरेस्ट. लोन नहीं, लोन जैसे ही लेंगे, लेकिन 50 दिनों तक आपको उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा. आफ्टर 50 डेज दे विल बी चार्जिंग यू एन इंटरेस्ट, बट टिल 50 डेज देर वोंट बी एनी इंटरेस्ट दैट विल बी चार्ज फॉर दैट पर्टिकुलर अमाउंट. दोज पर्टिकुलर थिंग्स विल बी कॉल्ड एज अ क्रेडिट कार्ड. क्रेडिट कार्ड इज समथिंग रिलेट समथिंग सिमिलर टू योर एटीएम और डेबिट कार्ड. ओनली थिंग इज वी डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर अमाउंट और वी विल नॉट हैव अ अमाउंट इन योर बैंक. द अमाउंट विल बी विद इन द बैंक, यानी बैंक के पास ही होगा. उसको हम लोग लोन की तरह लेंगे और 50 दिन के अंदर हम लोगों को वो, या फिर आपका जो भी पीरियड दिया जाएगा, उस पीरियड के अंदर आपको वो लोन अमाउंट या फिर वो अमाउंट रीपे करना पड़ेगा. उसको क्या कहा जाता है? क्रेडिट कार्ड. तो क्रेडिट कार्ड भी हम लोग बहुत बार यूज करते हैं आपके ई कॉमर्स वेबसाइट्स के अंदर. देन द सेकेंड मोड ऑफ पेमेंट विल बी कॉल्ड एज अ मोबाइल पेमेंट. मोबाइल पेमेंट मीन्स व्हाट? तो मोबाइल पेमेंट मीन्स आप लोग मोबाइल का यूज करके आप लोग जब भी पेमेंट कर सकते हो उसको क्या कहा जाएगा? मोबाइल पेमेंट. मोबाइल पेमेंट जैसे आप लोगों को पता है वैसे गूगल पे है, या फिर भीम ऐप है, या फिर आप लोगों को
SBI बड़ी करके एक आता है, तो ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं जहाँ से आप लोग उसको रीपेमेंट कर सकते हैं। ये ऐप क्या करता है, ये ऐप आपके बैंक अकाउंट से लिंक होगा, यानी डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से ही पैसा जाएगा, लेकिन ऐप थ्रू जाने वाला है, कोई एप्लीकेशन के थ्रू जाने वाला है, तो इसके वजह से उसको क्या कहा जाता है, मोबाइल पेमेंट कहा जाता है। यानी ये डायरेक्टली आप लोग पेमेंट बैंक के थ्रू से ही, आपके अकाउंट से ही पैसा कटेगा, लेकिन आपके बैंक के अकाउंट से कटने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसको एक मोबाइल एप्लीकेशन के साथ उसको लिंक करना पड़ेगा। तो लिंक करने के लिए मोस्टली क्या यूज़ किया जाता है, UPI, UPI नंबर एक आता है आपका बैंक से, तो वो यूज़ करके वो क्या करता है, जनरली आपके बैंक के साथ कनेक्ट करके फिर वो उसके साथ यूज़ किया जा सकता है। तो मोबाइल पेमेंट ही आपका हो जाएगा दूसरा मोड। तीसरा मोड जो होता है वो होता है आपका बैंक ट्रांसफ़र। बैंक ट्रांसफ़र यानी क्या, तो बैंक ट्रांसफ़र यानी जहाँ पे आप डायरेक्टली इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करके आप लोग किसी को पेमेंट कर रहे हो, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा आपका बैंक पेमेंट, दैट इज़ बैंक ट्रांसफ़र, जिसके अंदर आपको NEFT, RTGS ऐसे कुछ मोड ऑफ पेमेंट्स आ सकते हैं। NEFT, RTGS ये बैंक के बैंक का रिकॉर्डिंग का सिस्टम है, तो उसको बैंक डायरेक्टली ट्रांसफ़र करने में हेल्प आउट करेगा। ये ट्रांसफ़र मैन अकाउंट टू अकाउंट ही होगा, किसी के मोबाइल पे वगैरह कुछ नहीं जाएगा, जो भी पैसा जाएगा वो बंदे के अकाउंट में ही डायरेक्टली प्लेस होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, बैंक ट्रांसफ़र। और लास्ट आपका मोड जो आता है वो आता है आपका e-wallet। e-wallet यानी क्या, e-wallet यानी अगेन कोई एप्लीकेशन या कोई वेबसाइट्स जहाँ पे आप आपका पैसा रख सकते हो और उसके बाद उसको पेमेंट करोगे। यानी जैसे पेटीएम हो गया, फ़ोनपे हो गया, या फिर मोबीक्विक हो गया, ये सारे एप्लीकेशंस क्या है, ये आपको डायरेक्टली बैंक से कनेक्ट नहीं किया तो भी चलता है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपके अकाउंट से पैसे पहले क्या करना है, ई वॉलेट में आपके फ़ोनपे अकाउंट या फिर आपके पेटीएम अकाउंट में आप रख सकते हो, और उसके बाद वही पैसा यूजिंग फ़ोनपे या यूजिंग पेटीएम यू कैन सेंड इट टू दैट पर्टिकुलर सेलर, जो भी सेलर है उसको बाद में आप उसको क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। ये बेसिकली क्या हो जाएगा आपका, ई वॉलेट। सी मोबाइल पेमेंट और ई वॉलेट में डिफरेंस क्या है, मोबाइल पेमेंट में आप लोग जो पेमेंट करते हो वो आपके अकाउंट में से ही कटता है। यानी आप एक एप्लीकेशन यूज़ करते हो, जैसे आपने सपोज कंसिडर कर लो गूगल पे यूज़ किया है, तो गूगल पे ओपन करने के बाद वो क्या बोलता है, कोई तो पहले अकाउंट से उसको कनेक्ट करो। अकाउंट से कनेक्ट करने के बाद आप जो भी ट्रांजैक्शन करोगे, जो भी पैसा आएगा या फिर जाएगा, वो आपके अकाउंट से ही जा रहा है, लेकिन सिर्फ उसको उसको फैसिलिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो गूगल पे प्रोवाइड कर रहा है। यानी वो बैंक का कोई ऐप नहीं है, कोई कुछ नहीं है, एक थर्ड पार्टी ऐप है गूगल, तो वो गूगल पे आपके बैंक से अकाउंट से लिंक होके फिर आपको पेमेंट करने को दे रहा है। तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा मोबाइल पेमेंट। और दूसरा कहा जाता है ई वॉलेट। वॉलेट यानी क्या, वॉलेट यानी आपका बटुआ। जैसे आप नॉर्मली क्या करते हो, आपके अकाउंट से पैसे निकाल के आपके बटुए में रखते हो, और फिर आप लोग क्या करोगे, अपने बटुए से फिर जिसको देना है उसको दे सकते हो, उसको कहा जाएगा वॉलेट। सो यहाँ पे ई वॉलेट में हम लोग क्या करते हैं, अकाउंट से पहले, हमारे बैंक अकाउंट से पहले अमाउंट ट्रांसफ़र किया जाएगा एक ऐप पे। जैसे मैंने कंसिडर किया फ़ोनपे, तो मैं फ़ोनपे पे पहले मेरा पैसा ट्रांसफ़र करूँगा, और उसके बाद जब भी मेरा जी चाहेगा, जब भी मुझे लगेगा कि हाँ मुझे ये पेमेंट करना है और मैं ये फ़ोनपे से कर सकता हूँ, तो मैं उसके ऊपर क्या कर सकता हूँ, फ़ोनपे से उस सेलर को मैं पैसे भेज सकता हूँ, या फिर वो जो भी रेसिपियंट होगा मेरा, जो भी उसको रिसीव करने वाला है, उसको मैं फ़ोनपे के ऊपर से आपका पैसा भेज सकता हूँ। दैट इज़ नथिंग बट कंसिडर्ड एज एन ई वॉलेट, मोबाइल पेमेंट डायरेक्टली कनेक्टेड विथ बैंक अकाउंट, एंड ई वॉलेट विल बी गेटिंग द मनी इनटू योर ऐप फर्स्ट, एंड देन लेटर यू विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग दैट मनी टू द रेसिपियंट।
डायरेक्टली पैसा आपका बैंक अकाउंट से जाने वाला नहीं है, और वो भी पैसा कहाँ पे जाएगा, माइट भी उसके अकाउंट में या फिर उसके भी वॉलेट में ही जाके पड़ेगा। तो वो उसको बाद में क्या कर सकता है, बैंक में ट्रांसफर कर सकता है या फिर उसको डायरेक्टली खर्च भी सकता है। सो दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ पेमेंट, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल पेमेंट, बैंक ट्रांसफर एंड ई वॉलेट। दीज आर द फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेमेंट मोड, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल पेमेंट, बैंक ट्रांसफर एंड ई वॉलेट। सो दीज आर द फोर वन। द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज अ एम कॉमर्स। एम कॉमर्स मतलब क्या, तो एम कॉमर्स मतलब मोबाइल कॉमर्स। जैसे हम लोगों ने बोला था कि ई कॉमर्स, तो उसी के तरह ई कॉमर्स यानी क्या, इलेक्ट्रॉनिक वे ऑफ डूइंग अ कॉमर्स ट्रांजैक्शन विल बी कॉल्ड एज एन ई कॉमर्स। नाउ एम कॉमर्स या फिर आप बोल सकते हो कि मोबाइल कॉमर्स मतलब क्या, तो मोबाइल कॉमर्स मतलब हम लोग जब भी मोबाइल, टैबलेट या फिर कोई भी वायरलेस डिवाइस का यूज करके जब भी हम लोग कोई से कॉमर्स ट्रांजैक्शंस करते हैं या फिर कोई बाय या सेल करेगा तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा आपका एम कॉमर्स। समझ में आ रहा है? एम कॉमर्स मीन्स व्हाट, एम कॉमर्स मीन्स वेन एवर वी विल बी कैरिंग अ कमर्शियल ट्रांजैक्शंस विद द हेल्प ऑफ अ मोबाइल, अ टैबलेट और एनी वायरलेस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, देन दैट विल बी कंसिडर्ड अंडर अ एम कॉमर्स। नाउ व्हाई दिस टर्मिनोलॉजी हैज बीन डिफाइंड, बिकॉज इन अर्लियर डेज वी वर डूइंग अ ट्रांजैक्शंस ऑन मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी वर यूजिंग से योर डेस्कटॉप मशीन्स, बट लेटर वी हैव डिसाइडेड और लेटर एज द टेक्नोलॉजी हैज बीन चेंज, what most of the transactions are carried through, the most of the transactions are carried through your mobile apps or laptops. Okay, so you have to use, or that terminology was defined, because agar aap dekhoge ki 4 saal pehle to zyada mobile apps use nahi kiya jata tha, bahut kam use kiya jata tha, lekin 2 ya 3 saalon se mobile app ke upar load badh gaya hai, amazon ka mobile app aa gaya hai, मिंत्रा का है या फिर और किसी वेबसाइट्स का आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको दिखेगा कि आपको मोबाइल ऐप्स आ गए और उसके ऊपर से ही आप लोग ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो इसी वजह से ये नई टर्मिनोलॉजी आपके यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गई, दैट इज कॉल्ड एज अ एम कॉमर्स। इट इज सिंपल, एम कॉमर्स मीन्स व्हाट, अ कमर्शियल ट्रांजैक्शंस वेन एवर इट इज कैरीड थ्रू अ मोबाइल ऐप और any particular wireless electronic devices, then that particular transactions or that particular thing will be called as a m commerce, yani device change ho gaya sir। e commerce mein hum log kya bolte the, koi bhi electronic device yani mobile bhi chalega, laptop bhi chalega aur uske sath aapka computer machines bhi chalega yani pc bhi chalega, lekin yahan pe m commerce mein hum log kya bolte hain ki sirf इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो वायरलेस है वही, तो वो अगर यूज कर रहे हो तो वो क्या कंसिडर किया जाएगा, एम कॉमर्स में कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आफ्टर एम कॉमर्स इज सोशल कॉमर्स। सोशल कॉमर्स क्या होता है, सोशल कॉमर्स मतलब जब भी हम लोग कोई भी ट्रांजैक्शंस या फिर आप देख सकते हो इफ यू आर से regularly using Facebook or regularly using Instagram, you will observe that most of the there are some groups where they are doing buying and selling of products, or you will observe, you will have advertisements on Facebook. Okay, Facebook पे आपको बीच बीच में आपके post के बीच में बहुत बार आपको advertisement दिखता है, या फिर कोई ऐसे लोग भी होते हैं, ऐसे groups भी होते हैं जो प्रोडक्ट्स का हर बार डालते हैं। सपोज देर आर सम, देर इज अ फोर व्हीलर दैट आई वॉन्ट टू सेल, सो रादर दैन पुटिंग इट ऑन सम अदर थिंग आई विल बी पोस्टिंग इट ऑन माई फेसबुक। सो इवन इफ इट इज इफ माई सम फ्रेंड्स और माइट बी फ्रेंड्स फ्रेंड आर इंटरेस्टेड इन टू दैट व्हीकल, दे कैन बाय इट। सो वॉट आई एम डूइंग, आई एम यूजिंग सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फॉर कमर्शियल ट्रांजेक्शन।
सोशल कॉमर्स मीन्स वॉट? यूजिंग अ सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फॉर अ कमर्शियल पर्पजेस. कमर्शियल पर्पजेस मीन्स वॉट? फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स. इफ आई एम यूजिंग द सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स, देन दैट पर्टिकुलर थिंग विल बी कमिंग अंडर सोशल कॉमर्स. यानी मैं फेसबुक का यूज कर रहा हूँ या फिर किसी दूसरे चीज का यूज कर रहा हूँ, फेसबुक का यूज कर रहा हूँ या फिर किसी दूसरे चीज का यूज कर रहा हूँ और मैं मेरी चीजें बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा मेरा सोशल कॉमर्स. सोशल कॉमर्स मीन्स व्हाट? अ वेबसाइट और अ सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट ऑन विच आई एम ट्राइंग टू सेल माई प्रोडक्ट्स और आई एम ट्राइंग टू से डू सम कमर्शियल ट्रांजैक्शंस, देन दैट पर्टिकुलर वेबसाइट और दैट पर्टिकुलर थिंग विल बी कमिंग अंडर योर सोशल कॉमर्स. द लास्ट पॉइंट फ्रॉम द टूडेज लेक्चर विल बी EDI. सो वॉट इज EDI? EDI इज नथिंग बट इट इज इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज. इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज. सी वेन एवर वी विल बी डूइंग सम ट्रांजेक्शन और सम कमर्शियल ट्रांजेक्शन और से बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट, इन दैट केसेस देर आर मेनी डॉक्यूमेंट्स दैट आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. लाइक सपोज से आई एम हैविंग एन कंपनी, आई एम एन ओनर ऑफ अ कंपनी. नाउ आई वॉन्ट टू बाय सम गुड्स, सो वॉट आई डू इज आई विल बी पासिंग अ परचेस ऑर्डर. एक काम एक डॉक्यूमेंट बनाऊंगा जिसको कहा जाता है परचेस ऑर्डर. तो ये परचेस ऑर्डर क्या करेगा? जो भी मेरा सप्लायर है उसको मैं लिख के भेज दूंगा कि मुझे ये प्रोडक्ट्स आपसे चाहिए और इतनी क्वांटिटी में मुझे चाहिए. तो ये परचेस ऑर्डर मैं बनाऊंगा और उसको क्या कर दूंगा? उसको सेंड कर दूंगा. सेंड करेगा तो उसको हम लोग बाय पोस्ट कर सकते हैं या फिर बाय हैंड भी दे सकते हैं उसको कि ये परचेस ऑर्डर है, मुझे इतना प्रोडक्ट आपसे चाहिए और इतने दिनों के अंदर आपको ये मुझे देना पड़ेगा, तो वो मैं भेज दूंगा. तो वो भेजने के बाद वो सप्लायर क्या करेगा? तो वो सप्लायर अपने तरफ से वो प्रोडक्ट बनाएगा और वो मुझे डिलीवर करेगा. तो डिलीवर करते वक्त वो मुझे एक रिसीट भेजेगा. वो रिसीट क्या होगा? तो उसको कहा जाता है चलन. ठीक, उसको क्या कहा जाएगा? चलन कहा जाएगा या फिर GRB कहा जाता है उसको. चलन क्या करता है? तो चलन के ऊपर सिर्फ लिख के भेजा होता है कि इतना क्वांटिटी मैं अभी आपको भेज रहा हूँ और वो मुझे साइन करके देना पड़ता है दैट आई हैव गॉट इट. सो दैट इज नथिंग बट इट इज अ काइंड ऑफ डिलीवरी नोट. तो वो डिलीवरी के लिए मुझे चलन भेजेगा, मैं उसको साइन करके दे दूंगा. साइन करने के बाद उसके बाद वो मुझे क्या करेगा? जो भी प्रोडक्ट उसने भेजा है मुझे उसका वो बिल कर बना के भेज देगा. तो वो बिल यानी उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है आपका इनवॉइस. इनवॉइस, सो इनवॉइस करके भेजेगा जो हम लोगों ने कल के इसमें थोड़ा देखा था. तो इट विल बी गिविंग मी एन इनवॉइस. तो इनवॉइस के बाद मैं उसको चेक वगैरह कुछ तो निकाल के दे दूंगा कि ये पेमेंट आपने इतने इतने अमाउंट बोला था, इतने अमाउंट का मैं आपको चेक भेज रहा हूँ. तो दैट विल बी डन. नाउ इफ यू गो थ्रू इट, वॉट एवर आई हैव स्पोकन इन दिस 3 to 4 minutes, आई हैव मैंशनड मैनी डॉक्यूमेंट्स. आई हैव मैंशनड अ परचेस ऑर्डर, आई हैव मैंशनड अ चलन, आई हैव मैंशनड अ इनवॉइस एंड देन द रिसीट और से द पेमेंट. सो ऑल ऑफ दीज वेर कैरिंग सम डॉक्यूमेंट्स. All of these were having some documents were required. Now, EDI, what EDI does is, EDI says that you will be sending these documents or you will be sending some information. See, whenever I am saying sending some documents, documents mein kya hota hai aapka? Information. Information matlab data. To purchase order mein humne data kya bheja? Mujhe kitna material chahiye uska data bheja. चलन में हमारे पास कौन सा डेटा आया? कितना डेटा हमने रिसीव किया है उसका इन्फॉर्मेशन आया. इनवॉइस में हमारे पास क्या डेटा आया? कितने अमाउंट हमने उसको पे करना है वो हमने भेजा. उसके बाद जो हमने चेक निकाला या चेक की रिसीट बनाई, पेमेंट की रिसीट,
तो वो पेमेंट के रिसीट में क्या बना है कि हमने कितना पैसा उसको दिया है, ये सारी इंफॉर्मेशन बेसिकली डेटा है। तो ये सारा डेटा हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वे से भी चेंज इंटरचेंज कर सकते हैं। सो व्हेनेवर आई एम ट्रांसफरिंग दीज काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक वे, दोज विल बी कंसिडर्ड एज एन EDI, दोज विल बी कंसिडर्ड एज एन EDI. EDI मीन्स इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। जब हम लोग हमारा इनवॉइस होगा या फिर हमारा परचेस ऑर्डर होगा, अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, वी विल बी क्रिएटिंग एन परचेस ऑर्डर एंड दैट परचेस ऑर्डर कैन बी मेल टू द सप्लायर। देर इज नो नीड ऑफ सेंडिंग दैट परचेस ऑर्डर बाय हैंड और बाय पोस्ट। यू कैन डायरेक्टली यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लाइक एन ईमेल, यूजिंग एन ईमेल यू कैन अटैच दैट परचेस ऑर्डर, सेंड इट टू द सप्लायर। द सप्लायर विल बी डूइंग दोज और ही विल बी से मैन्युफैक्चरिंग और वॉट एवर इट मे बी, ही विल बी क्रिएटिंग दोज मैनी प्रोडक्ट्स एंड दैट विल गेट डिलीवर्ड एट योर डोरस्टेप। दोज डिलीवर्ड प्रोडक्ट द चलन कैन ऑल्सो बी जनरेटेड ऑन एन ईमेल और यूजिंग सम ERP सिस्टम्स। द इनवॉइस विल बी ऑल्सो सेंड बाय द सप्लायर थ्रू एन ईमेल एंड द पेमेंट कैन ऑल्सो बी डन बाय एन बैंक ट्रांसफर। So whatever information, there is no paper involved into it. What we have done, we have reduced the work of a paper and more of the things will be done electronically. So electronically, कुछ जगह पे emails का use कर सकते हो जहाँ पे आप लोगों को अच्छा लगे वहाँ पे, या फिर कुछ जगह पे आप लोग ERP करके कुछ systems आता है। ERP means Enterprise Resource Planning, जो बड़ी कंपनियाँ होती है तो बड़ी कंपनियाँ mostly क्या करती है उसको यूज करती है, उसको वो क्या कर सकती है सिस्टम बनाते हैं और सिस्टम के अंदर हम लोग उसको ऐड कर सकते हैं। सो दैट इज वन मोड, दैट इज EDI। सो EDI इज अ कंसेप्ट ऑफ बिजनेसेस इलेक्ट्रॉनिकली कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन दैट वॉज ट्रेडिशनली कम्युनिकेटेड ऑन पेपर। जो ऑन पेपर था वो ऑन पेपर की जगह पे अभी हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वे से हम लोग उसको इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। सो उसको क्या कहा जाएगा, EDI, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। सो दीज आर द पॉइंट्स दैट वी हैव कवर्ड टुडे, दैट इज मोड ऑफ पेमेंट में हम लोगों ने क्रेडिट कार्ड, मोबाइल पेमेंट, बैंक ट्रांसफर, ई वॉलेट देखा है। उसके बाद हम लोगों ने एक एम कॉमर्स की कंसेप्ट देखी है, सोशल कॉमर्स की एक कंसेप्ट देखी है, और उसके बाद हम लोगों ने EDI की एक कंसेप्ट देखी है। ठीक है, ये सारे कंसेप्ट्स आपको सिर्फ ध्यान में रखना है, उसको एक बार पढ़ो आप लोग तो उसके बाद आपको उसको समझ में आ जाएगा। सो वी विल स्टॉप फॉर टुडे, योर फिजिक्स लेक्चर विल स्टार्ट विद इन 5 मिनट्स।